घंटे से कम के ट्रांजिट में वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट पे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत रिसर्च करनी पड़ी, इतने लोगों से मैंने आज बात करी है वीज़ा के लिए कि कब चाहिए कब नहीं चाहिए ट्रांजिट वीज़ा। उस टाइम 6 घंटे का लेओवर था लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी ट्रांजिट वीज़ा की, अभी मेरा 9 घंटे का लेओवर है लेकिन ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनजे बैकपैकर चैनल पे। मैं हूँ नैन्सी जायसवाल। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अजरबैजान से वापस इंडिया और मैं हूँ इस वक्त आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पर मेरा लेओवर है 9 घंटे का। आबू धाबी से ट्रांज़िट को लेके हम सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि इंडिया से अजरबैजान जाते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा और अजरबैजान से इंडिया जाते वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मैं इंडिया से अजरबैजान जा रही थी, मुंबई से मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, 6 घंटे का लेओवर था आबू धाबी में और आबू धाबी से विज एयर थी अजरबैजान के लिए। तो यही सारी डिटेल्स देकर मैंने ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई किया, बट मेरा ट्रांज़िट वीज़ा रिटर्न हो गया। उसका रीज़न ये था कि मेरा लेओवर 8 घंटे से कम है, इसलिए मुझे ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ी। अब बाई चांस मेरे पास ट्रांज़िट वीज़ा था क्योंकि वापसी के लिए मैंने लिया हुआ था, वापसी में मेरा लेओवर 9 घंटे का है, 8 घंटे से ज़्यादा का है, तो इसलिए मैंने वापसी के लिए लिया हुआ था ट्रांज़िट वीज़ा, तो वो यूज़ हो गया। लेकिन अगर वापसी का मैंने ना लिया होता उस वक्त, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ICP से तो रिटर्न हो गया कि आपका 6 घंटे का लेओवर है तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे जब मैं एयर इंडिया से उतरी तो इमिग्रेशन की साइड ना जाकर, पासपोर्ट सिक्योरिटी की साइड ना जाकर, मैं इधर आई ट्रांसफ़र की साइड जहाँ से ट्रांज़िट के लिए आना होता है। मैं वहाँ से आई, मेरा सामान सिक्योरिटी चेक होके ट्रांज़िट करा दिया गया। उसके बाद जब मैं अंदर आई तो इधर तो सारे गेट नंबर ही गेट्स थे सारे, बोर्डिंग पास था नहीं मेरे पास पहले से। तब मैंने फिर से उनसे पूछा कि कहाँ से बोर्डिंग पास लूँगी, तो उन्होंने यहाँ पर बताया गया स्टाफ में कि आपको एक यहाँ एतिहाद का ऑफिस है, तो जिन्होंने सामान चेक किया था, सामान मेरा स्कैन हुआ जहाँ पर, उन्होंने बोला एतिहाद के ऑफिस में आप पता कर लीजिए, शायद वहाँ मिल जाएगा बोर्डिंग पास। लेकिन वहाँ पर नहीं मिला एतिहाद के ऑफिस में। मैंने जब पता किया तो उन्होंने बोला कि आपको तो बाहर जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन कराना पड़ेगा और तब आना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी ट्रांज़िट वीज़ा की, जबकि मेरा लेओवर 8 घंटे से कम का था। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको दोबारा से बाहर जाना पड़ रहा है, फिर इमिग्रेशन करा के आना पड़ रहा है, तो ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जितने भी घंटे का लेओवर हो आपका, 8 घंटे से कम का हो। फिर भी मेरे पास बाई चांस ट्रांज़िट वीज़ा था जो मैंने वापसी के लिए लिया हुआ था, इसलिए वो काम आ गया, अदरवाइज़ क्या होता मुझे नहीं पता। और मैंने यहाँ पर पूछा भी इनसे कि 8 घंटे से कम का है मेरा लेओवर तो मुझे तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ट्रांज़िट वीज़ा की। तो यहाँ मुझे ये बताया गया कि आपकी अगली फ़्लाइट जो है वो विज एयर की है, इस वजह से आपको बाहर जाकर फिर आना होगा, यहाँ से आप नहीं ट्रांज़िट कर सकते। और बाहर जाने का मतलब, दोबारा आने का मतलब है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो इसमें एक ये चीज़ नज़र आती है कि अगर आपके पास पहले से ही बोर्डिंग पास है तो आप इमिग्रेशन में ना जाके डायरेक्ट ट्रांज़िट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया से ही आपकी दोनों फ़्लाइट्स का है बोर्डिंग पास आपके पास, तो यहाँ पर आपको इमिग्रेशन की साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांज़िट में आएंगे। तो लेओवर आपका कितने भी घंटे का है मायने नहीं रखता है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ है, मेरा 9 घंटे का लेओवर है, लेकिन यहाँ पर मुझे यही पता चला कि अगर मेरे पास बोर्डिंग पास है तो मुझे ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी वाला एक्सपीरियंस अभी नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, फ़िलहाल उस टाइम की बात करते हैं। तो मुझे यहाँ यही बताया गया कि आपकी अगली फ़्लाइट विज एयर की है,
इस वजह से आपको बाहर जाना होगा, फिर से आना होगा और आपको ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत होगी। और इसमें भी एक ये कन्फ्यूजन आया, जो एतिहाद का ऑफिस है यहाँ पर, उन्होंने बोला कि आपको बाहर जाना है तब आना है, यहाँ पर बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। और जो सामान चेक कर रहे थे जब मैंने ट्रांज़िट किया यहाँ पर, उन्होंने बोला कि एतिहाद वाले ऑफिस में आपको मिल जाना चाहिए बोर्डिंग पास, बट वो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। तो खैर, मेरे पास ट्रांज़िट वीज़ा था तो मैंने कोई बहस करी नहीं, मैं चली गई बाहर, दोबारा इमिग्रेशन कराया, दोबारा से फिर से इसी टर्मिनल पे आई, टर्मिनल वन पे, और तब मैं चली गई अज़रबैजान। तो ये थी, ये पार्ट वन वाली बात हो गई कि इंडिया से अज़रबैजान जाते वक्त जब मेरा ले ओवर 6 घंटे से कम था, मुझे ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरी फ़्लाइट अलग अलग थी, एयर इंडिया और विज एयर थी, तो मुझे ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ी इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ ले ओवर। अब बात करते हैं वापसी की। वापसी के लिए फिर मैंने, जब मैं अज़रबैजान पहुंच गई तो मैंने दोबारा से ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई कर दिया, क्योंकि पहले वाला तो यूज़ कर चुकी थी मैं और अभी मेरा 8 घंटे से ज़्यादा का है ले ओवर, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था, वो मेरा आ गया था 2-3 घंटे में। अभी मैं आई अज़रबैजान से विज एयर से, तो मैंने पहले यहाँ ट्रांज़िट के टाइम पूछा कि मेरी अगली फ़्लाइट जो है वो एतिहाद की है, अब मुझे बाहर जाके वापस आना है, क्योंकि मैं विज एयर से आई हूँ, मुझे बाहर जाके वापस आना है या फिर यहीं से चले जाना है। तो यही बताया गया कि आप यहीं से ट्रांज़िट कर लीजिए। और अब जो दो ऑफिशियल्स थे, दोनों आपस में खुद ही कंफ्यूज थे। एक ने बोला कि आप बाहर जाके आइए, तो दूसरे ने उनसे बोला कि अगर बाहर जाके आएंगी तो फिर ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, उनको लगा कि मेरे पास नहीं है। और उन्होंने ये ड्यूरेशन पूछा ही नहीं कि आपका ले ओवर कितने टाइम का है। तो फिर दोनों ने डिस्कस किया, तो बोला यहीं से ही चले जाइए, बाहर मत जाइए, नहीं तो फिर आपको ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, उस टाइम 6 घंटे का ले ओवर था लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी ट्रांज़िट वीज़ा की, और अभी मेरा 9 घंटे का ले ओवर है लेकिन ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी है फ़िलहाल। इसके बाद यहाँ मैं एतिहाद वाले ऑफिस गई, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट एतिहाद की है तो यहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाएगा। पूछा है मैंने, अभी मिला नहीं है, रात की फ़्लाइट है अभी, यहाँ पर 3:30 बज रहे हैं यहाँ पे अभी, तो 10 बजे की है, 10:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तो मैंने यहाँ एतिहाद वाले ऑफिस में पहले पूछा कि मुझे मिल जाएगा यहीं से बोर्डिंग पास या मैं बाहर जाके आऊँ, तो उन्होंने पूछा फिर मुझसे कि आपके पास ट्रांज़िट वीज़ा है बाहर, तो फिर आप बाहर चले जाइए। वो मैंने रिकॉर्ड किया है, सुनाती हूँ। यस सर, आई वांट टू आस्क वन थिंग, मेरी फ़्लाइट बाकू से थी विज एयर की, तो अब मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाएगा या बाहर होके आना पड़ेगा? वीज़ा है आपका पास? ट्रांज़िट वीज़ा, वीज़ा तो है, वीज़ा है, बाहर जा सकता है? नहीं, लेकिन नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ से मिल जाए। रात को फ्लाइट ना? हाँ हाँ, करो। ओके, तो मुझे मिल जाएगा यहीं से ही ना? ओके, थैंक यू। उन्होंने बोला कि अगर है ट्रांज़िट वीज़ा तो बाहर चले जाइए। मैंने बताया कि ट्रांज़िट वीज़ा तो है लेकिन नहीं जाना चाहती हूँ, अगर मैं यहीं से अगर मिल जा रहा है बोर्डिंग पास तो मैं क्यों ही जाऊँ बाहर, फिर से इमिग्रेशन कराऊँ। तो उन्होंने बोला कि मिल जाएगा यहीं से, फिर बोले कि अभी वेट करिए, अभी तो आपकी रात की है ना फ़्लाइट, तो अभी वेट करिए, मिल जाएगा यहीं से। तो अब देखती हूँ क्या होता है, तब आगे की रिकॉर्डिंग करूँगी कि मुझे मिला ट्रांज़िट वीज़ा, सॉरी, मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास मिला या मुझे बाहर जाना पड़ता है, जैसा होगा वो मैं आगे रिकॉर्ड करूँगी। हाँ जी, सही समझ रहे हैं आप लोग, मैं हूँ इस वक्त अब आबू धाबी एयरपोर्ट के बाहर हूँ मैं, बाहर से ही आके मुझे वापस से जाना है, फाइनली यही पता चला है। और बहुत रिसर्च करनी पड़ी, इतने लोगों से मैंने आज बात करी है वीज़ा के लिए कि कब चाहिए कब नहीं चाहिए ट्रांज़िट वीज़ा। तो अभी बाहर निकली हूँ और दोबारा से जाना है डिपार्चर की तरफ, थक गई हूँ अब काफ़ी।
तो जैसा कि मैंने उस वक्त बताया था कि मैं एतिहाद के ऑफिस गई थी, तो वहाँ जो ऑफिशियल थे उन्होंने मुझसे कहा था कि वेट करिए यहीं, आपकी फ़्लाइट तो रात की है, मिल जाएगा बोर्डिंग पास यहीं से ही। उन्हें भी मैंने बताया ही था कि मैं बाकू से आ रही हूँ और विजेयर से आ रही हूँ, तो मैं वहीं पर ही गई दोबारा से। जब तो चेंज हो चुके थे ऑफिशियल, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या काम है, मैंने उन्हें जब बताया तो वो एकदम से भड़क गया कि विजेयर नो 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 नॉट हेयर, यू हैव टू गो फॉर इमिग्रेशन, यू हैव टू गो आउटसाइड देन कम अगेन, यू शुड हैव वीज़ा ऑल्सो। तो मैंने उनसे बताया भी हालांकि कि जो पहले थे ऑफिशियल उन्होंने ही मुझसे बोला था यहाँ पर वेट करने के लिए, इवन मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है जिन्होंने कहा था कि हाँ यहीं पे वेट करिए, रात की फ़्लाइट है आपकी, मिलेगा यहीं से। बट ये अभी वाले जो आए वहाँ पर एतिहाद ऑफिस में, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं विजेयर का है अगर, तो उनसे काफ़ी देर मेरी हुई फिर बात, बहुत ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि वो थोड़ा पता नहीं क्यों विजेयर के नाम से भड़क गए थे। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं आप विजेयर से आ रही हैं इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ से ट्रांजिट, बाहर ही जाना है, इमिग्रेशन कराना है तभी आ सकते हैं, ट्रांसफ़र्स में नहीं जा सकते हैं, ट्रांजिट करके नहीं जा सकते हैं, बाहर जाके ही आना होगा। फिर से मैं गई बाहर, जैसे जाते वक्त हुआ था वैसे ही हुआ लौटते वक्त भी। तो बाहर जब मैं जा रही थी उस वक्त फिर एक और थे वहाँ पे ऑफिसर, उनसे भी मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ, क्लियर कर लूँ उनसे भी, कई लोगों से मैंने बात करी काफ़ी देर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर दोनों फ्लाइट विजेयर की होती तो फिर आप नॉट टिकटॉक यूट्यूब तो उन्होंने यही बताया कि अगर दोनों फ्लाइट आपकी विजेयर की होगी या दोनों एतिहाद की होगी, मतलब समरी मैं ये बता दे रही हूँ, उन्होंने ये बताया है कि अगर सेम फ्लाइट है आपकी तो आप अंदर से ही जा सकते हैं, अगर डिफरेंट फ्लाइट है तो फिर आपको बाहर जाना है, इमिग्रेशन कराना है और ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। तो मैंने उनसे ये पूछा फिर कि अगर 8 घंटे से कम का ट्रांजिट है तब क्या करना होगा, तो एक ऑफिसर ने बोला कि आप उसमें मेंशन करिए कि विजेयर है, तो उन्हें पता है कि विजेयर से आ रही हैं तो आपको वीज़ा चाहिए ही चाहिए, चाहे जितने भी आवर्स का आपका लेओवर हो, 8 घंटे से कम का भी ट्रांजिट है तब भी अगर आप विजेयर से आ रहे हैं तो आपको वीज़ा चाहिए, तो ये मेंशन करिए। जबकि ये सारी चीज़ें तो मैंने मेंशन करी थी जब मैं अप्लाई करी थी और मेरा रिटर्न हो गया था वीज़ा एप्लीकेशन। तो ये था सारा हिसाब किताब, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, और इसका समअप मुझे यही नज़र आया है कि आप ट्रांजिट वीज़ा लेके ही आएँ, अगर आपकी सेम फ्लाइट है, सेम PNR है तो फिर ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और अगर अलग अलग फ्लाइट हैं तो आपको अंदर से ट्रांसफ़र्स में कभी जाने दिया जाएगा, कभी नहीं जाने दिया जाएगा, मोस्टली बाहर से होके ही जाना होगा, तो आप ट्रांजिट वीज़ा लेके ही आएँ। बट मेरा क्वेश्चन एक ये है आप सभी से कि अगर 8 घंटे से कम का ट्रांजिट है और मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इसका आंसर यहाँ पर भी कोई नहीं दे पाया। एक ने तो बोला कि विजेयर आप मेंशन करेंगी तो मिल जाएगा, ICP रिजेक्ट नहीं करेगा, और दूसरे से मैंने पूछा तो उनके पास भी कोई आंसर नहीं था, वो हंसने लगे। तो इसका आंसर अगर किसी के पास हो कि 8 घंटे से कम के ट्रांजिट में वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन एयरपोर्ट पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इसका आंसर कोई अगर दे पाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग बता पाएँ इसका आंसर और लोगों की हेल्प हो पाए शायद। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे।